हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री। और आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.11। अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8.0 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। वॉट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग? वॉट इज द पर्पज ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टर इन अ चार्जिंग करंट? ये हमने डायग्राम बना लिया है क्योंकि डायग्राम के थ्रू हमें और अच्छे से समझ आएगा। तो ये हमने ले लिया ए पॉइंट और ये हमने ले लिया बी पॉइंट, मतलब ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। ठीक है, तो ये हमारा है इनिशियल रेजिस्टेंस और ये है हमारा फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे ई और इसको हम नाम दे देंगे ई वन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना गिवन है हमें 120 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है और ये कितना है हमारा 8 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है कि ये आर भी हमें गिवन है 0.5 ओम इनिशियल रेजिस्टेंस हमें गिवन है और फाइनल रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है 15.5 ओम। अब हमें ए और बी दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है या टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोलो, टर्मिनल वोल्टेज है जो भी। अब इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले कॉन्सेप्ट से, एक तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं और दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ। ठीक है, जो दोनों हमने कर रखे हैं पहले, तो दोनों को करके देख लेते हैं। तो पहले चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला मेथड यूज करके देख लेंगे, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा, बस थोड़ा सा मेथड डिफरेंस है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सेल के अक्रॉस होगा और वो ही दूसरे सेल के अक्रॉस होगा। ठीक है, तो ऊपर जो बैटरी है वो चार्जिंग है और नीचे वाली जो है वो डिस्चार्जिंग है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा हमारा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर इज इक्वल्स टू ई वन माइनस आई आर। अब मैंने इसको ई वन नाम दिया, आप इसको ई डैश नाम दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है दे सकते हैं, ई टू ई थ्री ई फोर। ठीक है, तो ये मैंने नाम दिया ई वन। अब आगे, अब इसमें ना अब हम किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे तब भी यही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगा उसमें, ई प्लस आई आर इज इक्वल्स टू ई डैश माइनस आई आर इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे, तो ई कितना है हमारे पास 8 प्लस आई हमें पता नहीं है करंट इंटू 0.5, आर हमारा है इनिशियल रेजिस्टेंस है 0.5, ई डैश कितना हमारा 120 माइनस आई इंटू 15.5। अब ये ना हमारा जो करंट है ये प्लस आई और ये माइनस आई, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आई इंटू 16 इज इक्वल्स टू 112। इसे हमने कैलकुलेट कर लिया, कैसे कैलकुलेट किया, आई इसको ब्रैकेट में ले लिया 0.5 और यहाँ से किसको लेंगे बताइए, इसको यहाँ से लेंगे 15.5 को। तो 0.5 प्लस 15.5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 16 आएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू इसे 120 माइनस 8 कर देंगे, ये जो 8 है इसको यहाँ ले जाएंगे, 120 माइनस 8 कर देंगे तो हमारा आएगा 112। तो करंट हमारा निकल गया कितना आया, 7 एम्पियर। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब हम आगे करेंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना रख लेंगे, 8 प्लस 7 इंटू 0.5। ये क्या पुट किया हमने, क्या किसकी वैल्यू पुट की है, एट क्या था हमारा, ई प्लस आई इंटू क्या, ये हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने पुट किया, तो ये कितना आएगा हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 3.5 इज इक्वल्स टू 11.5 वोल्ट। ये वी ए माइनस वी बी की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, ये सॉल्व हो गया।
अब ये आ गई हमारी टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब क्या बोला है, वॉट इज द पर्पज ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टर इन अ चार्जिंग सर्किट। सो हमें जो सीरीज रेजिस्टर लगाना पड़ा, लार्ज रेजिस्टर, ये हमने क्यों लगाया, क्या जरूरत पड़ गई है इसकी, ये हमें बताया है, ये हमसे पूछा है, सॉरी। सो अगर ये सर्किट में हम ना लगाएं तो सर्किट कितनी फ्लो करेगी, इन दोनों बैटरी की वजह से सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो केवल इंटरनल रेजिस्टेंस बचेगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो बहुत कम होगा, चेक करते हैं। तो आई आर को जीरो मान लेंगे, आई आर इज इक्वल्स टू जीरो। अब वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू ई वन माइनस ई अपॉन आर इज इक्वल्स टू, ई वन कितना है हमारा 120 वोल्ट, माइनस ई कितना है हमारा 8 अपॉन आर है, इनिशियल रेजिस्टेंस है, ठीक है, छोटा वाला आर है इनिशियल रेजिस्टेंस, ये कितना है 0.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 112 अपॉन 0.5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 224 एम्पियर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये हमारा बहुत ज़्यादा करंट आ गया, ठीक है, तो ये डेंजरस हो सकता है, तो ये डेंजरसली बहुत हाई है। तो अगर ये एब्सेंस होगा, ये जो बड़ा आर कैपिटल आर फाइनल रेजिस्टेंस अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा जो करंट होगा वो बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आर is connected in a series to minimize the current which will be dangerously high. In the absence of R, ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3.11 चैप्टर नंबर 3 का। आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।